हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फोटेक। आज की हमारी पूरी वीडियो डेडिकेट करती है अंटार्कटिका पर। तो आज हम आपको बर्फीले सफ़र में ले जाएंगे, ऐसा सफ़र जहां आपको हिस्ट्री जानने मिलेगी और साथ में कुछ थोड़ी हैरान कर देने वाली बातें भी। अंटार्कटिका, जब भी हम इस कॉन्टिनेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे ध्यान में सिर्फ और सिर्फ वहाँ की बर्फीली वादियाँ ही आती हैं। पर आपने कभी अंटार्कटिका की हिस्ट्री जानने की कोशिश की है? अंटार्कटिका दिखता तो सफ़ेद है, पर इसकी हिस्ट्री इसे अनोखा बना ही देती है। अब आपको भी इस बर्फीले कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री तो जानने की तो होगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री बताने से पहले हम इसको थोड़ी सी प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट के बाद इसका फ्यूचर और फिर लास्ट में हम आपको इसकी हिस्ट्री बताएंगे। हमने इस वीडियो को थर्ड पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट एंड द सेकेंड पार्ट फ्यूचर एंड द लास्ट हिस्ट्री पार्ट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हम आपको प्रेजेंट के बारे में बताएंगे, जो जानते हैं अंटार्कटिका का प्रेजेंट। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, देश नहीं, और ये क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया के फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां आपको दूर दूर तक बर्फ के अलावा ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। पर हाँ, यहां आपको बहुत से स्पीसीज देखने मिल जाएंगे। अब उन स्पीसीज को के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उन सभी स्पीसीज को आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ना ही किसी ने अब तक राज किया है और ना ही अब करेगा। इस कॉन्टिनेंट में एक भी कंट्री नहीं है, पर बहुत सी कंट्री साथ मिलकर अंटार्कटिका पर रिसर्च जरूर करती है, जिससे उनको एक कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री जानने मिलती है। हमारी रिसर्च को बहुत से ऐसे राज मिले हैं जो कॉन्टिनेंट अपनी खूबसूरती और उन सफ़ेद बर्फ के चादरों के साथ दबाए रखा है। रिसर्चर्स भी उन हिस्ट्री को जानकर हैरान हो गए हैं। अब उन हिस्ट्री को हम आपको थर्ड पार्ट में बताएंगे। अंटार्कटिका को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के इन दोनों पार्ट्स में बहुत से माउंटेन्स आ जाते हैं। इस जगह पर घूमने वाले की संख्या बहुत कम है। अंटार्कटिका की बर्फ़ों को सिंगिंग आइस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब बर्फ़ मेल्ट होती है तब उस समय आने वाली आवाज़ को सिंगिंग आइस कहा जाता है। यह बात अब सबको पता हो गई है कि अंटार्कटिका में 6 मंथ डेज होता है और 6 मंथ नाइट। पर उन 6 मंथ की नाइट में आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा जो एक अजूबे से कम नहीं है। पर हाँ, ये सिर्फ नेचुरल ही होता है, वो अजूबा है अरोरा नाइट। ये ऐसी नाइट होती है जहाँ आपको गैलेक्सीज में उन अरोरा को सीधे अर्थ देखने का मौका मिलता है। ये नाइट सिर्फ नॉर्थ पोल, साउथ पोल
देखने मिलता है। अंटार्कटिका में ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो पाता है। ये सब देखकर आपका मन भी अंटार्कटिका जाने का किया होगा। सेकेंड पार्ट में हम आपको अंटार्कटिका का फ्यूचर बताएंगे। पर हाँ, फ्यूचर को हम थोड़ा सही बताएंगे, क्योंकि फ्यूचर को हमेशा प्रेडिक्ट किया जाता है। अंटार्कटिका का फ्यूचर कुछ इस तरह हो सकता है। इसका फ्यूचर दो तरह के प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ, ये सब प्रेडिक्शन बहुत ही रिसर्च के बाद किया गया है। पहला प्रेडिक्शन है कि अंटार्कटिका आगे जाकर शायद विलुप्त हो जाए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे पॉल्यूशन की वजह से। इन्हीं पॉल्यूशन की वजह से आज इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। आगे कितना ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा प्रेडिक्शन कुछ इस तरह है कि अंटार्कटिका पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, तब इस पूरे कॉन्टिनेंट को पेंजिया या गोंडवाना कहते थे। और फिर जब अफ्रीका और अंटार्कटिका के प्लेट्स टूटने लगे, तब जाकर उन दोनों कॉन्टिनेंट में दूरी पैदा होने लगी और आज अंटार्कटिका साउथ पोल तक पहुंच गया है। अब इसका प्रेडिक्शन ये है कि शायद आगे जाकर अंटार्कटिका की प्लेट्स खिसक कर कहीं और जा सकते हैं, तब शायद कॉन्टिनेंट एक हरा भरा कॉन्टिनेंट बन जाए। अब आते हैं लास्ट पार्ट द हिस्ट्री में। आखिरकार वह समय आ ही गया जब हम अंटार्कटिका की हिस्ट्री बताएंगे। हमने आपको जस्ट अभी बताया कि अंटार्कटिका अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। आप पेंजिया और गोंडवाना के बारे में तो जानते होंगे, इसकी डिटेल हमें आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब अंटार्कटिका अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, तब इस कॉन्टिनेंट में एक सभ्यता जी रही थी। रिसर्चर्स के मुताबिक इजिप्ट की सभ्यता अंटार्कटिका से मिल की सभ्यता से मिलती थी, क्योंकि दोनों जगह से मिले अवशेष सेम थे और यह कुछ प्रकार के थे। ग्रिट स्मिथ के अनुसार ये कॉन्टिनेंट बहुत ही अनोखा था, पर इस अनोखे के अलावा उनकी मिथ्स में और कुछ जिक्र नहीं हुआ है। तब इस कॉन्टिनेंट के बारे में लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है? उसने तो कुछ किया तो नहीं है, पर लेकिन थोड़ा सा श्रेय उसे दिया जा सकता है। अंटार्कटिका में एक दिन एक मेट्रॉइड गिरा, तब इस मेट्रॉइड पर बहुत रिसर्च की गई।
तब पता चला यह मेट्रॉइड मार्स का है। और इस मेट्रॉइड पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जिससे यह पता चला है कि मार्स पर भी जीवन का होना संभव है। तब से हमने मार्स पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब हमारी वीडियो ख़त्म होने को है। हमने आपको अंटार्कटिका डेडिकेटेड वीडियो तो दिखाई दी और इसके तीन पार्ट्स भी बता दिए। तो अब हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। #coldnotold